हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, टेस्टी एंड यम्मी फ्रूट सैलेड या फ्रूट कस्टर्ड। ये दिखने में जितना ब्यूटीफुल है, खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी है और उतना ही ज़्यादा हेल्दी है। साथ ही इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान भी है। तो ऐसे हेल्दी फ्रूट सैलेड के लिए मैंने लिए कुछ मिक्स फ्रूट्स। यहाँ पर मैंने लिया है एक सेब है, एक संतरा है, एक जाम है, अनार, केले। मैंने वही फ्रूट्स इस्तेमाल किए जो मेरे पास अवेलेबल थे। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग या सीजनल इस्तेमाल कर सकते हो। उसके अलावा 1 लीटर दूध है, 1/4 कप शक्कर है, 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर है, कुछ मिक्स ड्राई फ्रूट्स है जिसमें काजू, किशमिश, बादाम, पिस्ता और टूटी फ्रूटी है। आप चाहो तो इन्हें स्किप कर सकते हो, बट ये डालने से टेस्ट बहुत अच्छे से आता है। और हम लोग फ्रूट्स को उसी समय काटेंगे जब हमें कस्टर्ड सॉस में डालना होगा। अब हम बनाते हैं कस्टर्ड सॉस। उसके लिए मैंने रखा है पैन, उसमें मैंने डाला है 1 लीटर गाय का दूध। आप चाहो तो पैकेट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और थोड़ा सा दूध मैंने बचा लिया है जिसमें हम लोग कस्टर्ड पाउडर मिक्स करेंगे। कस्टर्ड पाउडर हमें ठंडे दूध में ही मिक्स करना है। अभी मैंने दूध में एक बॉयल आने दिया है। जैसे ही दूध में बॉयल आ गया है, उसके बाद मैंने गैस का फ्लेम स्लो कर दिया है। स्लो करके मैंने इसमें डाला है शक्कर। शक्कर मैंने 1/4 कप डाला है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, मतलब आपको जितना मीठा पसंद है उसके अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। अभी मैंने इसे मिक्स कर दिया है। मिक्स करके 2-3 मिनट तक हम इसे पकने देते हैं। 2-3 मिनट बाद जब ये पक जाएगा, उसके बाद हम लोग करेंगे आगे का प्रोसीजर। अब ये काफ़ी अच्छे से पक गया है, दूध भी थोड़ा सा गाढ़ा हो गया। हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं पकाना है, बस दूध का कच्चापन जाते तक हमें इसे पकाना है। अभी मैंने लिया है एक बाउल, इसमें मैंने डाला है 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर। डाल के इसमें मैं ठंडा वाला दूध डालूंगी जिसे हमने निकाल के रखा था। कस्टर्ड बनाते समय हमें ठंडे दूध का ही इस्तेमाल करना है। अगर हम लोग गर्म दूध डालेंगे तो इसमें लम्ब्स पड़ जाएंगे और अच्छे से मिक्स नहीं होगा। अब इसको स्पून से अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई गुठली या लम्ब्स ना हो। अगर इसमें गुठली रहेंगी और हम लोग डायरेक्ट दूध में ऐसे ही डाल देंगे तो दूध में स्मूथनेस नहीं आएगा और हमारा कस्टर्ड में दरदरापन रहेगा और बीच में गुठलियाँ भी रहेगी। अब मैंने गैस का फ्लेम ऑफ करके इसमें मिक्स कर दिया है ये हमारा कस्टर्ड पाउडर का दूध डाल के। अभी मैंने फिर से गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है। ऑन करके अब इसको लगातार चलाते हुए मैं इसे पका रही हूँ। लगातार चलाना है, नहीं तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाएगी। और गैस का फ्लेम हमें स्लो ही रखना है। कंटिन्यूसली इसे मैं मिला रही हूँ। इस तरीके से मिलाने से आप देख सकते हैं इसमें कोई भी गुठली नहीं है और कंसिस्टेंसी भी एकदम अच्छी होती जा रही है, थोड़ी गाढ़ी हो रही है। अब 2 मिनट बाद आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छे से गाढ़ा हो गया है। इसी तरीके से मिक्स करते हुए हमें इसे 4 से 5 मिनट तक के पकाना है। 4 से 5 मिनट या कस्टर्ड का कच्चापन जाते तक हम इसे पकाएंगे। अब ये काफ़ी अच्छे से पक गया है। मैं अब गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी। ऑफ करके मैं इसे ठंडा होने दूंगी। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम लोग करेंगे आगे का प्रोसीजर। अब कस्टर्ड बनके रेडी है। मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया। ऑफ करके मैं इसे ठंडा होने दूंगी। यहाँ पे मैंने उन्हीं फ्रूट्स का इस्तेमाल किया जो मेरे पास अवेलेबल है। आप उन फ्रूट्स का इस्तेमाल करना जो आपके पसंद के हों या जो अवेलेबल हो या जो सीजनल हो। अब कस्टर्ड काफ़ी अच्छे से ठंडा हो गया है, बट आप देख सकते हैं ये उतना स्मूथ नहीं लग रहा है। आप चाहो तो डायरेक्ट ऐसे ही इसमें फ्रूट्स डाल सकते हो, बट इसमें एक स्मूथ टेक्सचर लाने के लिए हम लोग इसे एक बार ग्राइंड करेंगे। ये वाला स्टेप कम्प्लीटली ऑप्शनल है। आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो, बट एक बार अगर हम लोग इसे ग्राइंड कर लेंगे तो जो कस्टर्ड सॉस है वो एकदम स्मूथ बनेगा और लुक वाइज बहुत अच्छा लगेगा। टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। अभी मैंने इसे एक बार ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करने के बाद आप देख सकते हैं ये काफ़ी स्मूथ बना है और लुक वाइज भी जब हम लोग इसमें फ्रूट्स डालेंगे बहुत अच्छा दिखेगा। अभी मैंने इसे लिया है एक मिक्सिंग बाउल में। मिक्सिंग बाउल में डाल के अब हम लोग इसमें डालेंगे कटे हुए फ्रूट्स। मैंने केला और सेब को अभी नहीं काटा है। सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ संतरा। मैंने एक ही संतरे का इस्तेमाल किया है और मैं इसमें डाल रही हूँ जाम और अनार डाल के। फिर उसके बाद मैं इसमें सेब और केला को तुरंत काट के तुरंत डालूंगी, अदरवाइज ये काले पड़ जाएंगे। अभी मैंने इसे डाल के इसमें मैं डाल रही हूँ ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स कम्प्लीटली ऑप्शनल हैं, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। और यहाँ पर आप इलायची, रोज वाटर या किसी भी एसेंस के 2-3 ड्रॉप डाल सकते हो खुशबू के लिए, बट मुझे फ्रेश फ्रूट का खुशबू पसंद है इसलिए मैंने नहीं डाला है। अगर आपको खुशबू पसंद है तो आप ऐड कर सकते हो। अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करके 2 से 3 घंटे के लिए या तब तक जब तक ये ठंडा नहीं होता है हम इसे फ्रिज में रखेंगे ढक के। अब 3 घंटे बाद
आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छे से ठंडा भी हो गया और थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया है। बस कस्टर्ड बन के रेडी है। कस्टर्ड बनाते समय हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि कस्टर्ड पाउडर ठंडे दूध में मिक्स करना है, इसमें वाटर कंसिस्टेंसी वाले फ्रूट्स का इस्तेमाल नहीं करना है, जैसे वाटरमेलन, पाइनएप्पल, अगर उनको हम डालते हैं तो हमारा कस्टर्ड सॉस पतला हो जाएगा। अब आप भी ये टेस्टी फ्रूट कस्टर्ड ज़रूर बनाइए। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।